आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। मौसम का पूर्वानुमान सोमवार 21 सितंबर और मंगलवार 22 सितंबर को किस तरह का रह सकता है हम आपको बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो रविवार 20 सितंबर और सोमवार 21 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। सिवनी में लखनऊ धौन और घनसौर को छोड़कर बाकी जगह बारिश होती हुई दिख रही है। 1 बजे के लगभग 12 से 1 बजे तक बारिश रात में हो सकती है। इसके बाद सुबह 7 बजे का ये नज़ारा है। हवा पूर्वोत्तर से चलकर दक्षिण पश्चिम की ओर आपको चलती हुई दिख रही है। 11 बजे के बाद एक बार फिर ज़िले में बारिश का योग बनता दिख रहा है। दूमा घनसौर लखनऊ धौन को छोड़कर संपूर्ण ज़िले में बारिश होती हुई दिख रही है। 2 बजे दिन में बारिश का वेग कुछ बढ़ सकता है ऐसा प्रतीत हो रहा है। 2 से 3 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। 2 से 3 बजे के बीच में पूरे ज़िले में बारिश का वेग कुछ ज़्यादा दिख रहा है। 4 बजे के लगभग सिवनी बरघाट कानीवाड़ा अरी गंगेरुआ गोपालगंज कुरई खवासा यहाँ छोड़कर बाकी जगह बारिश हो सकती है। 7 बजे शाम तक यही स्थिति बनी रहेगी। 8 बजे के बाद हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं हो सकती है और रात 12 बजे के बाद सोमवार 21 सितंबर और मंगलवार 22 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे के बाद एक बार फिर सिवनी ज़िले में बारिश ज़बरदस्त तरीके से हो सकती है और ये बारिश 11-12 बजे रात से जब आरंभ हुई और लगभग 4 बजे तक 4 घंटे बारिश हो सकती है, ज़बरदस्त बारिश हो सकती है मंगलवार 22 सितंबर को सुबह सवेरे 4 बजे तक। 22 सितंबर को अब हम दिन का नज़ारा दिखा रहे हैं। दिन में 12 बजे के लगभग दूमा लखनऊ धौन छपारा घनसौर यहाँ बारिश हल्की फुल्की होती हुई दिख रही है और 3 बजे के लगभग सिवनी कानीवाड़ा छपारा में बारिश का वेग थोड़ा बढ़ सकता है। शाम 5 बजे के लगभग छपारा के आसपास बारिश हो सकती है और अरी गंगेरुआ गोपालगंज कुरई खवासा में बारिश का वेग थोड़ा ज़्यादा रह सकता है। 8 बजे रात को ये केंद्र थोड़ा सा खसक कर सिवनी और छपारा की ओर आता हुआ दिख रहा है। यहाँ भी बारिश की संभावनाएं बनती हुई दिख रही हैं और रात 12 बजे मंगलवार 22 सितंबर और बुधवार 23 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे सिवनी के आसपास आप देख सकते हैं कानीवाड़ा सिवनी और केवलारी के बीच में ये पूरा लाल हिस्सा आपको जो दिख रहा है। हवाओं की दिशा एकाएक बदल कर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व आपको उल्टी हवाएं बहती हुई दिख रही होंगी और यहाँ बारिश कानीवाड़ा के आसपास ज़बरदस्त बारिश हो सकती है रात 12 बजे। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनके द्वारा जो पूर्वानुमान संकलित किए गए हैं वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको बिजली की कड़कन तड़कन और तापमान के बारे में बताते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में रोजाना प्रसारित हो रहे हैं। इसके अलावा मौसम का पूर्वानुमान भी देखना ना भूलिए। ब्रेक के बाद समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं नज़ारा रविवार 20 सितंबर और सोमवार 21 सितंबर के दरमियानी रात 12 बजे का नज़ारा है। तापमान ज़िले में 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अब हम आपको सोमवार 21 सितंबर को सुबह 7 बजे किस तरह का मौसम रह सकता है ये बताते हैं। तापमान हल्की सी लालिमा आप महसूस कर रहे होंगे तो यहाँ तापमान तो 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच है पर थोड़ी उमस महसूस आप कर सकते हैं। 10 बजे के लगभग उमस बढ़ सकती है। तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस। 2 बजे के बाद उमस कम होना आरंभ हो सकती है। तापमान 27 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच और शाम 6 बजे उमस लगभग समाप्त हो सकती है। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं नज़ारा सोमवार 21 सितंबर और मंगलवार 22 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का है। सिवनी में तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। अब हम आपको बताते हैं ये 22 सितंबर मंगलवार को सुबह 7 बजे तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस। मंगलवार को उमस
कुछ कम महसूस हो सकती है। 10 बजे दिन का नजारा है और 11 बजे के बाद उमस हल्की हल्की आरंभ हुई। तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस। 5 बजे शाम को तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस और 10 बजे के लगभग तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस एवं मंगलवार 22 सितंबर एवं बुधवार 23 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच जिले भर में बना हुआ है। अब हम इसके बाद आपको बिजली की कड़कन तड़कन और चमक के बारे में बताते हैं। स्क्रीन पर जो नज़ारा आप देख रहे हैं वो नज़ारा सोमवार 20 सितंबर और मंगलवार 21 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का है। सिवनी के आसपास बिजली चमकती हुई दिख रही है। छपारा और बरघाट, गोपालगंज, गंगेरुआ, कुरई, खवासा तक बिजली चमकती हुई दिख रही है। कुछ समय के लिए बिजली चमकेगी, गरज भी आपको शायद सुनाई दे। और ये सोमवार 21 सितंबर को दिन में 11 बजे के लगभग जिले भर में बिजली चमकती हुई दिख रही, कहीं कहीं गर्जना भी सुनाई दे सकती है। और 2 बजे के लगभग केवलारी से पूर्वोत्तर और धूमा से उत्तर में आप लाल निशान ये देख रहे होंगे। धूमा के आसपास केवलारी के यहाँ बिजली की गर्जना ज़्यादा सुनाई दे सकती है। 21 सितंबर को 2 बजे के लगभग 5 बजे शाम का नज़ारा है। 21 सितंबर की रात 11 बजे सिवनी के आसपास बिजली चमकती हुई दिख रही है। यहाँ मुगवानी, गोपालगंज, कुरई, खवासा तरफ भी अगर आप सिवनी से पश्चिम की ओर जाएं तो यहाँ बिजली की चमक और गरज सुनाई दे सकती है। 2 बजे तक इस तरीके का नज़ारा रह सकता है और 2 बजे के बाद फिर एक बार बिजली की चमक गरज दिखाई दे सकती है सिवनी में 22 सितंबर को। और 22 सितंबर को 11-12 बजे के बाद लखना दौन क्षेत्र में कहीं कहीं बिजली की चमक दिखाई दे सकती है। 7 बजे शाम का नज़ारा है ये मंगलवार 22 सितंबर का। और मंगलवार 22 सितंबर को 10 बजे तक इस तरीके का नज़ारा रह सकता है। और मंगलवार 22 सितंबर बुधवार 23 सितंबर की दरमियानी रात 12 बजे का ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। लखना दौन से पश्चिम की ओर बिजली चमकती हुई दिख रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के ऑडियो बुलेटिन, वीडियोस और मौसम के अपडेट अगर आपको पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से महेश रावलानी की रिपोर्ट है। मौसम विभाग के सूत्रों के हवाले से उनको जो भी उनके पूर्वानुमान उनके द्वारा संकलित किया गया है वो पूर्वानुमान आपके साथ साझा किया जा रहा है। सब्सक्राइब आप जरूर करिए। सब्सक्राइब कैसे करना है हर वीडियो के आखिरी में हम आपको बताते हैं। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं। आने वाले 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE, इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है। आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं ये हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे ये सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड। और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए लाल के बाद, वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं।
अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं, और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा, इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो इसके पैड जैसे ही आए तो आप इसके पैड कर दीजिए, और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरीप को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं अब प्लेलिस्ट, अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए चार पांच वीडियोस, वीडियोस में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोस मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप भी करिए, सभी को कराइए।